हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ मनोज रावत फ्रॉम उत्तराखंड, और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया। इस टॉपिक का नाम है मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। दोस्तों, जो व्यक्ति आज सफल के उस शिखर पर है और जो व्यक्ति अभी भी भटका हुआ है, इन दोनों व्यक्तियों ने ये सिद्ध कर लिया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। दोस्तों, हम सब में एक बात समान है कि हम सब अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, मगर दूसरी बात हम सब में समान नहीं पाई जाती, और वो है कि हम करना कुछ नहीं चाहते, हम खोना नहीं चाहते, हम टाइम नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। दोस्तों, हम सब के कुछ न कुछ सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना भी चाहते हैं, मगर हम सब लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर वो लोग कौन होते हैं जो अपने सपने पूरे कर लेते हैं, और वो कौन लोग होते हैं जो अपने सपनों को सिर्फ उस सपना बन के ही रह जाते हैं? क्योंकि आप जब भी कोई भी चीज़ या कोई भी सपना पूरा करने की पहल करते हैं, तो यहाँ पर आपको दो लोगों का सामना करना पड़ता है। पहले दुनिया का, समाज का। आप जब भी अपने सपनों की पहल किसी अन्य व्यक्ति से करोगे, तो उनमें से ज़्यादातर लोग आपको वो मिलेंगे जो आपका हौसला बुलंद करने के बजाय, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के बजाय, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये लोग सीधे तौर पर आपसे ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि आप यह नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग बड़े चतुर और चालाक होते हैं। इन्हें बातों को घुमा फिरा कर बोलने की कला में ये लोग बड़े माहिर होते हैं। कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करने में माहिर होते हैं, ताकि आप अपने अंदर की अंदर ही अंदर अपना आत्मविश्वास खो दें। दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग सिर्फ आपके आत्मविश्वास को क्षति ही पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन लोगों से ना तो अपने सपनों की पहल कीजिए, और ना ही इन लोगों से दूर ही बनाए रखें, तो यही बेहतर होगा। दोस्तों, इन लोगों से लड़ना नहीं है, बस इन लोगों से सिर्फ एक सवाल करना है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। जब आप यह सवाल करेंगे, तो इन लोगों के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। इसलिए प्रिय मित्रों, इन लोगों की वजह से आप अपने अंदर कोई भी भ्रम संदेह पैदा ना करें। जो व्यक्ति इन लोगों की बातों से अपने मन में अपने ऊपर या अपने सपनों के ऊपर भ्रम और शंका करता है, वो व्यक्ति अपने मन से हार जाता है दोस्तों, और वो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। अब दोस्तों, बारी आती है कि दूसरा वो इंसान कौन है जो उस इंसान के सपनों में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा उस इंसान के सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा पत्थर है, वो कौन है? तो वो इंसान वो खुद है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, अगर आपको अपने सपनों पे विश्वास नहीं है, तो भी आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका खुद का निर्णय ही इस बात का नींव डालता है दोस्तों, कि आप पाना क्या चाहते हैं। आप खुद से एक सवाल कीजिए, यदि इस दुनिया में कोई और इंसान उस काम को कर सकता है जिस काम को मैं कर रहा हूँ, तो उस काम को मैं भी हंसते हंसते मैं भी उस काम को हंसते हंसते कर सकता हूँ। फिर आप देखना, धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, और आप अपने आत्मविश्वास से लेवरेज लोगे। आपके मन में हमेशा शांति बनी रहेगी, और आप पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे विश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे। फिर दुनिया को अपना काम करने दीजिए दोस्तों, आप अपना काम करिए। क्योंकि दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी भी होगी कि हाथी चले बेजार, कुत्ते भूखे हजार। हाथी हमेशा बेजार होकर चलती है, निडर होकर आगे बढ़ती रहती है, कुत्ते तो हजारों भौंकते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको अंत में एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ कि आप अगर मन से यह मान लें कि आप जीत चुके हो, तो आप दोस्तों फिर जीत ही चुके हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। मैं मनोज रावत आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।